ओम शांति आज 11 नवंबर 1989। बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे आज की मुरली का विषय है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है आइए अब इस पर हम मनन और चिंतन करते हैं आज दिव्य बुद्धि विधाता दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प दिव्य बोल दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है इस सारी मुरल में दिव्यता का महत्व hmm. बाबा ने बताया दिव्यता hmm. आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है एक है साधारणता दूसरा है दिव्यता दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो अब देखिए बाबा ने जो कहा है कि दिव्यता तो जो बाबा के ज्ञान का यादगार गीता है उसमें सोलहवें चैप्टर में यही बात बताई गई है कि दो संपदा दुनिया में है सारी दुनिया के मानवों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है एक है दैवी संपदा और दूसरा है आसुरी संपदा तो देवी संपदा वाले दिव्य होते हैं तो बाबा ने कहा जिनका दिव्य संकल्प हो दिव्य बोल हो दिव्य कर्म हो वो ही दैवी संपदा की त्या बन रहे हैं जब फूल बन जाएंगे फिर तो आशुरी संपदा खत्म हो जाएगा एक ही रहेगा जिसको हम कहते हैं दैवी दुनिया आ जाएगी लेकिन उसकी तैयारी अब हो रही है दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियाँ कराएगी सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएँ संतुष्ट नहीं है hmm. आगे चलकर ये आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है hmm. जीवन में कुछ नवीनता चाहिए अलौकिकता दिव्यता जीवन का विशेष आधार है ये अनुभव करेंगे कुछ चाहिए कुछ चाहिए इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंचली लेने के लिए तड़फती हुई दिखाई देंगी। यानी अब जो बाबा ने कहा है कि जो भौतिक साधन है भौतिक साधन लोग समझते आ रहे हैं भौतिकवाद फैल गया है इससे सुख मिलेगा लेकिन बाबा कहता है धीरे धीरे उनको अनुभूति होगी कि भौतिक तो साधनों में सुख नहीं है सुख अलौकिकता में है सुख दिव्यता में है अगर आपके पास भौतिक साधन बहुत है परंतु व्यक्ति के अंदर क्रोध है शिष्टाचार नहीं है तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले लेकिन कितने क्रोधित और कितने अशांत महसूस करते हैं इसलिए ये अलौकिकता ही है दिव्यता ही है जो व्यक्ति की ये प्यास बजा सकते हुई कहा पहुंचेगी आप सबके पास ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो हर समय दिव्यता अनुभव होती है Hmm. वह कभी साधारण कभी दिव्य oh. जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया hmm. तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती अगर वरदान को कायम रखा है oh. तो दिव्य बुद्धि तो दिव्य ही सोचेगी ना नीचे hmm. की साधारण बात में नहीं आएगी लेकिन इस साधारण कर्म में भी हाँ। आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो हाँ। ये साधारण काम करते हुए भी दिव्यता हो यानी साधारणता का कनेक्शन कर्म से नहीं है क्योंकि कोई ऑर्डिनरी काम कर रहा है तो साधारण है कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे तो, तो दिव्य है मान लो कोई भाषण कर रहा है तो दिव्य है और कोई रोटी बना रहा है या कोई झाड़ू लगा रहा है नहीं स्थिति की बात महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते धन को साधारण रीत से कार्य में नहीं लगा सकते क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते संकल्प भी श्रीमत के अनुसार चले हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है इसलिए चेक करो सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा दिव्य अलौकिक कितना समय रहा कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की बुरा सोचा नहीं बुरा बोला नहीं लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया hmm. क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता oh. ना मिटता है ना बनता है hmm. वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल hmm. और कर्म भविष्य का जमा करता है यानी कोई साधारण ढंग से लाइफ किसी की बीत रही है चलो किसी को दुख नहीं दिया उसका कोई जमा थोड़ी होता उसमें कोई परफॉर्मेंस करे कुछ असाधारण कार्य करे अलौकिक करे तब उसका जमा होगा ना जिंदगी में हम मुड़कर देखें तो हमें क्या माइलस्टोन जिसको कहते हैं कि खास खास अचीवमेंट याद आती है ना साधारण लाइफ को तो, तो नहीं कमाई तो नहीं होती उसमें जमा का खाता बढ़ता नहीं है oh. तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं oh. खुश रहते हैं मैंने वेस्ट नहीं किया oh. लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है hmm. वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया oh. कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया hmm. लेकिन सुख दिया oh. दुख नहीं दिया इससे वर्तमान अच्छा बनाया hmm. लेकिन सुख देने से जमा होता अब है बाबा ने कितना क्लियर किया कि दुख नहीं दिया तो वर्तमान ठीक है लेकिन सुख देने से भविष्य बनेगा ना जमा, जमा तो होगा हो वो किया या सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए hmm. सुख दाता के बच्चे सुख का खाता जमा करो hmm. सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुख की हर कदम में अनुभूति करे इसको कहता है दिव्यता व अलौकिकता तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है जो अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी hmm. को कोई गवा दे तो फ़ायदा क्या हुआ हा? कहते ना तुझे किस्मत ढूंढ रही थी पर तू पहचान ना पाया किस्मत हमारे दरवाजे पे नॉक कर रही है और हम सोच रहे हैं कि अच्छा हम सोए पड़े हैं आराम से, से बैठे हैं कोई बुरा काम तो नहीं किया अच्छा किया भगवान कहता अच्छा जमा होगा तो सब खाते चेक करो तन से कितना जमा किया मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है और आत्माओं का हिसाब अलग है लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं तो समझा क्या करना है इसमें भोले नहीं बनो पुराने संस्कारों से भोले मत बनो hmm. बाप दादा ने रिजल्ट देखी कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है hmm. उसका विस्तार फिर सुनाएंगे oh. फिर बाबा कहते हैं जड़ मूर्तियों के hmm. दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना तीन पैर पृथ्वी तो सबको मिली है hmm. ये बाबा मधुबन के लिए कह रहे हैं hmm. वहां पर ग्रुप hmm. ज्यादा लोग आ गए हाँ। hmm. जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं hmm. उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं hmm. संस्कार को इजी कर लो तो हर कार्य इजी लगेगा संस्कार को टाइट कर लो तो आसान काम भी मुश्किल लगेगा संस्कार टाइट है, तो सरकमस्टेंस भी टाइट हो जाते हैं संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो ना अच्छे में ना बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है सदैव हर्षित रहना है अगर हर्षित रहना है तो आकर्षित नहीं होना अच्छे बुरे में फंसना भी तो बंधन में आना है ना अच्छा ही सही लेकिन अच्छे के भी बंधन में आ गए तो फिर निर्बंधन तो नहीं हुए ना हर्षित नहीं रह सकता अच्छा सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले हाँ। और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को सदा अपने जमा के खाते हो बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले mm. ऐसे समझदार बच्चों को mm. अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर mm. श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते कई बार लेजी को इजी समझ लेते हैं बाबा कहते हैं जो लेजी है वो इजी नहीं होता इजी और चीज़ है hmm. हमारे संस्कार इजी हों एक्टिविटी में कर्म करते हुए भी हम इजी रहें ये नहीं कि कर्म से किनारा कर लें ये कर्म में जाएंगे तो खींचा तान होगी तो किनारे खड़े हो जाओ नहीं फिर देखने वाले बन जाएंगे करने वाले नहीं फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात बाबा बॉम्बे के ग्रुप से मिल रहे हैं। mm. सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ mm. ऐसे अनुभव करते हो ना mm. संपन्नता संपूर्णता की निशानी है mm. जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है mm. तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है mm. ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न इसी को संपूर्णता कहा जाता है यानी संपन्न संपूर्णता की निशानी है क्योंकि उसमें कुछ इनकम्प्लीट अधूरा नहीं है hmm. जैसे चंद्रमा सोलह कला हो गया तो उससे तो बढ़ ही नहीं सकता ना कंप्लीट है तो कंप्लीट को कहते हैं संपन तो बाबा कहते हैं कितने समीपो आठ तक सौ सो तक सोलह हजार तक आठ की समीपता फिर सौ की समीपता फिर हजार की समीपता कितनी समीपता वाले हैं देखना है मैं किसके कितने कौन सी समीपता की कैटेगरी में आता हूँ फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हु। वो तड़पने वाले हैं आप संपन्न आत्माएं हो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो ये खुशी है ना रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कोई खुश रह सकता है यही वरदान सदा स्मृति में रखना समीप है संपन्न है अभी तो समीप मिलना भी समीप हो गया hmm. जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है hmm. स्थिति में भी सदा समीप hmm. अर्थात सदा संपन्न बनू अब देखिए ना कि जब कोई व्यक्ति किसी से नजदीक जाके मिलता है तो बड़ी खुशी होती है अच्छा लगता है एक भीड़ भाड़ है उसमें किसी को स्टेज पर प्रतिष्ठित व्यक्ति है विशेष उसको मिलने का मौका मिलता है तो कितने खुश होते हैं तो बाबा कहते हैं ये समीपता का जो मिलन है इसी प्रकार के स्थिति की समीपता भी चाहिए आप देखेंगे जब भी कोई ग्रुप होता है तो एक समान स्थिति वाले मिलते हैं अगर कोई ऑफिसर्स क्लब है तो उसमें ऑफिसर ही जाएंगे ना मिलिट्री में ऑफिसर्स का अलग होता है इसी प्रकार से कोई ग्रुप है तो जिस तरह के उस ग्रुप के लेवल के होंगे वही आएंगे ना उसके अंदर मान लो लॉयंस क्लब है तो लॉयन बनने वाले उसमें जाएंगे ना दूसरे नहीं जा सकते इसको कहा जाता है स्थिति की समीपता भी चाहिए वैसे वो अलग अलग होंगे वेरियस प्रोफेशंस के होंगे लेकिन स्थिति की समीपता फिर बाबा ने गुजरात ग्रुप से गुजरात और पूना दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी हो hmm. या वाणी द्वारा अनुभव होता है hmm. दृष्टि द्वारा, hmm. द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो hmm. क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे hmm. तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं hmm. आगे चलकर hmm. वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा hmm. और सरकम भी नहीं होंगे hmm. तो क्या करेंगे hmm. दृष्टि द्वारा वरदानी दृष्टि द्वारा महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति प्रेम की शक्ति सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना एग्जाम्पल hmm. दिया बाबा ने कि ये मंदिर में जाते हैं भगत तो जड़ मूर्ति दृष्टि से ही उसकी दृष्टि से ही उनको संतोष मिलता है है <laughs> फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तब तो जाते हैं ना कैसे प्राप्ति होती है <laughs> उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख <laughs> वाइब्रेशन लेते हैं <laughs> कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनो की तरफ देखेंगे आप देखेंगे कि वाइब्रेशन लेने की वजह से जाएंगे मूर्ति के दर्शन करने और दर्शन सामने जाकर आंखें बंद कर लेंगे <laughs> क्यों वो समेटना चाहते हैं <laughs> कि ये दर्शन जो मैं कर रहा हूँ इसका जो मुझे वाइब्रेशन शांति संतोष का रहा है। उसके मैं संभालू तो आँखों को इसलिए बंद करते हैं कि पूरे का पूरा वाइब्रेशन मैं अपने अंदर धारण कर तो वाइब्रेशन ही है, मिलता है ना तो बाबा कहते हैं फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है नैनो द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है वो तो है जड़ मूर्तियां लेकिन किसकी हैं Hmm. आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं hmm. ये नशा है कि हमारी हैं अब बाबा ने कहा देखो मस्तक और नैन तो वास्तव में मस्तक में आत्मा रहती है तो जो स्थिति आत्मा की होती है वही नैनों से रिफ्लेक्ट होती hmm. है अगर आत्मा शांत स्वरूप है शक्ति स्वरूप है सहयोगी है तो आँखें उसकी वो वाइब्रेशन दूसरे को फील होगा मेरे साथ सहानुभूति कर रहा है मेरा सहयोगी है अगर मस्तक के अंदर अशांति है चंचलता है या लोभ का संस्कार है स्वार्थ है तो आँखें वही प्रकट करेंगी इसलिए बाबा ने कहा पहले हमें ये आप आँखों के द्वारा hmm. वाइब्रेशन धारण करने का अभ्यास करो जब धारण करोगे तब दे सकोगे बाबा कहते हैं चैतन्य में ये सेवा की है हाँ। तब जड़ मूर्तियां जड़ मूर्तियां कैसे वाइब्रेशन दे रही हैं शांति हाँ। है ना तो बाबा ने इसका जवाब दिया कि जड़ मूर्तियां किन की बनती हैं जिन्होंने चैतन्य में शांति बांटने की सेवा की है तो उनकी मूर्तियों से इस प्रकार का वाइब्रेशन आएगा ऐसे नहीं किसी का भी फोटो के आगे खड़े हो जाओ hmm. जिसके फोटो के आगे खड़े हो गए उसका आएगा हिटलर के फोटो के आगे खड़े हो जाओगे तो और तरह का वाइब्रेशन आएगा विवेकानंद hmm. के फ़ोटो के आगे खड़े हो गए और तरह का वाइब्रेशन आएगा तो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है hmm. तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो hmm. जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा ये बहुत नोट करने की बात है धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति तो सारी मुरली जमा पर है साधारणता में जमा नहीं तो कहता है जमा का खाता नहीं जमा करोगे तो मौका हम समझेंगे हम तो ठीक है लेकिन जब मौका आएगा तो फिर वो जमा का खाता उभरेगा नहीं तो धोखा मिल जाएगा दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे फिर दुख होगा पश्चाताप होगा जमा होने की निशानी क्या होगी नशा इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी खुशी ही जन्म से अधिकार है सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं समस्या आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाएगी क्योंकि खुशी हमारी चीज है समस्या परिस्थिति है समस्या बाहर से आई है खुशी हमारी चीज़ है, वो आई और जाएगी खुशी नहीं साथ लेगा हाँ। दूसरे की तरफ से आई हुई है समस्या अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना अपनी चीज को खोना नहीं होता तो खुशी को खोना नहीं चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा पुराना जाएगा नया मिलेगा फिर बाबा आंध्र प्रदेश से मिला संबंध याद का आधार है जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है एक बाप सर्व संबंधी है इस स्मृति से सहज योगी बन गए जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएगी जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लैसिंग स्वतः मिलेगी सदा ये स्मृति में रखना है हम हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले Hmm. साधारण कर्म नहीं विशेष कर्म hmm. विशेष संकल्प और विशेष बोल यानी ब्राह्मणों के जीवन में साधारणता नहीं, होनी, नहीं चाहिए। होनी चाहिए अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे hmm. ऐसी विशेष सेवा करो यही याद रखना मैं दिव्य आईना हूँ मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे hmm. समझा सो so, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली ग्यारह नवंबर 1989 बाबा ने अपनी दृष्टि का दिव्यकरण करने के लिए कहा और साधारणता नहीं परंतु दिव्य कर्म हो दिव्य जीवन हो वो दिव्यता ही आकर्षित करेगी दिव्यता और अलौकिकता अलौकिकता लौकिक कुछ ना हो ओम शांति